हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल अब में से कोई एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था कि सर ऑटो कॉनर में हम लेंथ कैसे करेक्शन करते हैं ऑटो कॉनर में लेंथ करेक्शन मतलब काउंट का हिसाब से एक स्टैंडर्ड लेंथ रहता है पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है अब कितना के का पैकेज बनाते हो एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम का या ढाई किलो या तीन किलो या दो किलो पैकेज के हिसाब से क्या लेंथ सेट किया जाएगा उसी हिसाब से अगर लेंथ सेट किए समझ हल्का आ रहा है या भारी आ रहा है तो लेंथ का करेक्शन कैसे किया जाएगा मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है लेंथ करेक्शन कैसे किया जाएगा वो मैंने इसको आपको समझा रहा हूँ बहुत इजी चीज़ है और मेरा ख्याल से आप लोग पूरा क्लियर समझ जाएगा जब पूरा वीडियो देखोगे अब और टॉपिक का ऐसा है देखो यान ऑटो कॉर्नर यान लेंथ करेक्शन ऑटो कॉर्नर में हम धागे का लेंथ कैसे करेक्शन करेंगे मैंने काउंट लिया देखो दो काउंट का एग्जाम्पल दिया एक बीस के डब्लू एक चालीस के डब्लू तो उसमें मैंने क्या क्या पकड़ा देखो बीस के डब्लू में बीस पॉइंट पाँच का पकड़ा स्टैंडर्ड रिंग बीस पॉइंट फाइव का स्टैंडर्ड रंग पकड़ा चालीस के डब्लू में चालीस पॉइंट पाँच का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पैकिंग वेट पैकेज वेट मतलब एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम का मतलब कौन जब भर जाएगा एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम का वो जो नेट वेट होनी चाहिए ये नेट वेट है ध्यान रखेगा नेट वेट ये भी तो समझ लो 20 काउंट में अपना नेट वेट पॉइंट एट रखे समझ लो 20 काउंट में अपना 1.87 पॉइंट एट आया मतलब इसमें 20 ग्राम कम आया वो कैसे चेक होता है जैसे कहीं पे ऑटोपोनर चलता है ना एसक्यूसी वाला क्या करते हैं रैंडमली 20 कोन लेके वजन करते हैं हर काउंट का उसका स्टैंडर्ड निकालते हैं मतलब कितना एवरेज आया समझ लो एवरेज से कम है तो भी करेक्शन करने बोलेंगे आवरेज से ज़्यादा है वो भी करेक्शन करने बोलेंगे लेकिन करेक्शन करता है प्रोडक्शन वाला तो ये देखो एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम होनी चाहिए एक किलो आठ सौ सत्तर ग्राम आया तो बीस ग्राम अपना हल्का आया तो बीस ग्राम हल्का आया तो उसी हिसाब से करेक्शन करेंगे ऐसे में चालीस काउंट में दूसरा टाइप कर लिया एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम हो गया स्टैंडर्ड और उसका क्या हुआ एक किलो आठ सौ नब्बे हो गया और तीस ग्राम अपन ज़्यादा आ रहा है तो एक किलो नौ सौ बीस ग्राम आ जाएगा एक किलो नौ सौ बीस ग्राम आ जाएगा ठीक है एक किलो नौ सौ बीस ग्राम आ जाएगा तो तीस ग्राम अपना प्लस साइड हो गया ये हो गया माइनस साइड ये हो गया प्लस साइड हो गया तो इसको करेक्शन करने के लिए देखो कैसे मैं बता रहा हूँ जैसे बीस काउंट का पहले ग्राम पर मीटर निकाला आपने मेरा जो बेसिक फार्मूला में जाना उसमें पॉइंट फाइव नाइन कैसे निकला क्या समझाया गया वही पॉइंट फाइव नाइन वाला फार्मूला पकड़ना पॉइंट पॉइंट फाइव नाइन में ट्वेंटी पॉइंट फाइव जो नोमिनल काउंट डिवाइड करना इसमें यान का ग्राम पर मीटर आएगा बीस काउंट का पॉइंट जीरो टू एट सेवन नाइन ग्राम पर मीटर आ गया और चालीस काउंट का भी ऐसे ही पॉइंट फाइव नाइन में चालीस पॉइंट फाइव ये हो गया दोनों हो गया आपको पता ये नोमिनल काउंट जो रैपिंग काउंट बोलते हैं रैपिंग काउंट ही लेना हमेशा तो पॉइंट फाइव नाइन में चालीस पॉइंट फाइव डिवाइड किया तो ये आ गया पॉइंट जीरो वन फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन ये दोनों का ग्राम पर मीटर निकाल दिए तो ये देखने की चीज़ है देखो स्टैंडर्ड लेंथ भी कैसे निकालेंगे एक किलो आठ सौ नब्बे का अपना स्टैंडर्ड वेट है अगर अगर एक ग्राम में इतना लेंथ रहता है तो इतना ग्राम में कितना लेंथ आएगा तो अठारह सौ नब्बे डिवाइड बाई पॉइंट जीरो टू एट सेवन नाइन ये आ गया पैंसठ हजार 647 मीटर ये मतलब 20 काउंट का अगर 1.89 पॉइंट का कोण लेंगे तो पैंसठ मीटर का उसमें धागा रहेगा नेट वेट ऐसे ही 40 काउंट का अगर 1.89 पॉइंट या अठारह ग्राम का लिए तो उसमें डिवाइड करने का ग्राम पर मीटर 40 काउंट का ये वाला ये आएगा एक लाख उनतीस हज़ार सात सौ सैंतीस मीटर ये हो गया स्टैंडर्ड अपन को करना क्या है देखो बीस काउंट का बीस ग्राम हल्का आ रहा है मतलब बीस ग्राम का हल्का आ रहा है तो अपन बीस ग्राम का वजन हर कोण में बढ़ाएंगे तब वो कवर होगा तो बीस काउंट में कैसे करना देखो फॉर बीस काउंट बीस ग्राम लाइटर आ रहा है तो बीस में वही ग्राम पर मीटर डिवाइड किया अपन बीस काउंट का इसमें आ गया सिक्स नाइन्टी फोर मीटर्स टू इंक्रीज मतलब पैंसठ हज़ार छः सौ सैतालीस था और प्लस सिक्स नाइन फोर मीटर छसठ हज़ार तीन सौ इकतालीस मीटर अपन को करना पड़ेगा डिस्प्ले में तब जाके बीस ग्राम कवर होगा मतलब इस केस में हल्का के आ रहा है करके अपन प्लस के लेंथ बढ़ाए ऐसे ही चालीस काउंट में देखिए अपन तीस ग्राम अपना ज़्यादा आ रहा है तीस ग्राम ज़्यादा आ रहा है तो तीस में डिवाइड बाई ज़ीरो वन फोर फाइव सिक्स सेवन ग्राम पर मीटर ए वाला जो निकाला थे उसके बाद में आया दो हजार उनसठ मीटर मतलब 40 चालीस काउंट में तीस ग्राम अपना भारी था तो उसको अपन लेंथ में निकाले दो हजार उनसठ मीटर आया मतलब इतना मीटर अपन कम करेंगे तो अपना स्टैंडर्ड वेट आ जाएगा वन पॉइंट एट नाइन तो अपना जो लेंथ था एक लाख उनतीस हज़ार सात सौ सैंतीस इसमें माइनस हो गया दो हज़ार उनसठ मीटर ये हो गया एक लाख सत्ताईस हज़ार छः सौ अट्ठत्तर मीटर तो ये जो फंडा है हर ऑटो में लागू है खाली आपको काउंट मालूम होना चाहिए और स्टैंडर्ड रपिंग मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड रपिंग मालूम होगा आप ऑटोमेटिक कर लोगे कोई काउंट के लिए कोई भी काउंट के लिए वही फार्मूला चाहिए खाली आपको स्टैंडर्ड वेट का मालूम होनी चाहिए और कितना ग्राम हल्का भारी है वो मालूम होना चाहिए और नोमिला रैपिंग ये तीन चीज़ चाहिए आपको चौथा चीज़ कुछ चाहिए नहीं उसमें अपना आप निकल जाएगा और कॉर्नर तो का जो लेंथ करेक्शन करते हैं एक बार देखिए उसके लिए एक रजिस्टर रहता है जैसे सुबह सुबह चेकर आके वजन क्या काउंट वाइज कितना कितना ग्राम आया हर ऑटोकोनर का वजन करेगा हर ग्रुप का वजन करेगा अगर उसमें हल्का भारी जो सेट करता है वो रजिस्टर का अंदर लिखा रहेगा कि फलाना नंबर ऑटोक्रम में ए ड्रम से ए ड्रम इतना ग्राम भारी था मैंने लेंथ ए था ए डाला वो ऑटोक्रम में इतना ग्राम हल्का था लेंथ ए था ए डाला तो उसमें क्या होता है एक बार उसने डाल दिया रजिस्टर में लिख दिया तो दूसरा कोई उसका ऊपर वाला आया उसका ऊपर वाला आया तो रजिस्टर देख लेगा क्या हल्का भारी क्या और वो मैसेज पैकिंग वाला उ जाएगा पैकिंग वाला ही बताता तो रहेगा कि इसमें हल्का आ रहा है सही करो उसमें भारी आ रहा है सही करो अगर रजिस्टर में लिखा नहीं रहेगा कभी कभी क्या होता है दो बार करेक्शन हो जाता है एक बार मैंने कर दिया मेरा बाद में और कोई है वो भी कर दिया तो रजिस्टर में मेंटेन में होना बहुत ज़रूरी है रजिस्टर में मेंटेन होगा कभी गड़बड़ नहीं होगा और बार बार छेड़खानी करने से दिक्कत हो जाता है क्या आपने एक बार सेट कर दिया दूसरा आदमी फिर सेट कर दिया फिर हल्का आ रहा था अचानक से भारी आ गया तो उसमें क्या कौन टू कोन ओजन का वेरिएशन हो जाएगा वो ओजन का वेरिएशन हो जाएगा पैकिंग नहीं हो पाएगा और जब अपन पैकिंग करके जाएंगे अपन ऑटो कॉर्नर का मटेरियल पैकिंग में जाएगा अपन बेचेंगे मार्केट में डालेंगे वो लेंथ वेरिएशन ज़्यादा आएगा लेंथ वेरिएशन ज़्यादा आने से उसका बेबी कोल बचेगा फिर इसको रिवाइंडिंग करेगा ओवर फिर उसका पावर खर्चा होगा लेबर खर्चा होगा वो मतलब बीमारी बढ़ता रहेगा तो ऑटोक्रोनों का लेंथ जो करेक्शन है एक ही आदमी करना चाहिए बार बार दूसरा आदमी तीसरा आदमी चौथा आदमी ऐसे लगाना नहीं चाहिए एक आदमी करेगा सबसे बढ़िया होगा मेरा राय यही है और वीडियो यहीं पे समाप्त करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आप लोग वीडियो तो देखते हो सब्सक्राइब भी कर रहे हो लेकिन एक मेरे को जो अंदर से एहसास हो रहा है आपको बता रहा हूँ वीडियो का आप कोई भी वीडियो देखते हैं ना ऐसा जरूर नहीं दो चार वीडियो एक दिन में देख लो एक वीडियो भी देखो इसको कंप्लीट देखो पूरा तर, पूरा व्यू देखो उसका तब जाके समझ में आता है जैसे अपने दस मिनट का वीडियो किया तो दो मिनट देख लिए बाकी छोड़ दिए या चालीस मिनट का आधा घंटा देखे दस मिनट छोड़ दे उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है तो आप कृपा करके पूरा वीडियो देखिए और कोई भी दिक्कत है कोई भी परेशानी है मेरे को कमेंट में कमेंट कमें में लिखिए मैसेज करिए कमेंट में मैं इसको पूरा इसको सहयोग करूँगा आपको और पूरी तरह समझा कर दूँगा थैंक यू